नमस्कार, मैं प्रियंका आर्या, आप देख रहे हैं एमजी मीडिया। तो इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में, जहां कल रात मंदिर के बाहर लगी रेलिंग को हटाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई की गई है, जिस पर लोगों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं लोगों से। मेरा नाम युवराज सिंह भाटिया जी। सर, जो ये कल मंदिर को हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, साधारण सी बात ये है कि जो हमें ज्ञात हुई ये चीज और जिस चीज के बारे में उन्होंने बताया गया है, बात ये बताई गई है कि ये जो रेलिंग वाला पोर्शन है ये आए थे इसके लिए। अगर आप एक बड़ी साधारण सी चीज देखें, ये फुटपाथ है ऊपर, इसके अंदर ही पोर्शन पे सारी की सारी रेलिंग बनी पड़ी है, कहीं रोड को भी कवर नहीं कर रही, ठीक है? तो ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। और ये रेलिंग हटाना खाली एकमात्र बहाना था, जिससे होता है ना कि बेसिक रीजन और एक फालतू की बात कर देना, सारा पोर्शन इनका ये था। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये दरअसल पेड़ नहीं है, इसके नीचे पूरा का पूरा कोया है, जो कि आज से नहीं है, काफी पुराने टाइम से है यहाँ पे, ठीक है? उस चीज को लेकर के सारे को ही साफ करने के ताक में, और जहां तक प्रशासनिक जो भी चीजें हैं सारी चीज हमें पता चली है, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ आसपास यहाँ पे लोग जो है असामाजिक तत्व जो होते हैं उनका भी पूरा का पूरा एक रोल है, पूरा हाथ है इस चीज को आगे बढ़ावा देने में, कि यहाँ से मंदिर हटे, अशांतिपूर्ण स्थिति बने और यहाँ पे एक गलत माहौल बने, जबकि यहाँ पे सब शांति से एकता से सब लोग यहाँ पे काफी समय से रहते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगती। जैसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री अतीश का बयान भी आया है कि ये एक मंदिर को लेकर नहीं है, ऐसे 10 मंदिरों को हटाने की बात की गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? अगर मैडम 10 मंदिरों को हटाने के लिए बात कही गई है, तो दिल्ली पे आप हर जगह पे 4-4, 5-5 किलोमीटर के क्षेत्र में देख लेते इस तरीके से अवैध मजारे बनी हुई है, कभी उस पर सवाल उठाया गया नहीं, हमने किसी की आस्था के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, लेकिन हर वक्त आपको हमारी ही आस्था को क्यों टारगेट करना है? और अगर आप कहीं पे चलो आप कह रहे हो कि 10 जगह है, 10 जगहों को हटाना है, 8 को हटा दो, 9 को हटा दो, बट वो देखो ना कि वो किस बेसिक दायरे में बनी हुई है, ये इस पोर्शन पे बनी हुई है सारी सारी, ये कहाँ रोड को कवर अप कर रही है, ये सारा का सारा जो केजरीवाल सरकार का एक राजनीतिक ढोंग है, एक राजनीतिक फॉर्मूला है कि भाई किसी तरीके से जो एक माइनॉरिटी वोट है या फिर एक जो समाज है उसको आपस में बांटने के लिए यही सारी चीजें इनका खेल है, मैं इससे ज्यादा इसको और कुछ नहीं समझता। सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं हृदय से, चाहे वो सोशल मीडिया था चाहे मीडिया था, हम सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनकी वजह से आज हमारा मंदिर, सिर्फ 2 ग्रिलें तोड़ी गई, अगर मीडिया नहीं होता तो शायद हमारा मंदिर नहीं बसता। और हम तो मिलजुल करके रहना चाहते हैं, पर समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने इस मंदिर को गैर कानूनी बता करके, एक छोटा सा 4x4 का मंदिर है, उसमें हमने हनुमान जी की मूर्ति और शनि महाराज की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ इनके बड़े बड़े मदरसे बने हुए 5-5 मंजिल के, जो अलाउड नहीं है, छजली देखो आप कितनी बड़ी बड़ी निकली हुई है, उनके अतिक्रमण इतना हो रहा कोई नहीं, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, पर एक छोटे से मंदिर क्यों उनके कानों में आवाज जा रही है? उधर मजार टूटी थी हसनपुर पे, उसका विरोध में इन्होंने सोचा कि इस मंदिर को तोड़े तो हम ये अपना गुस्सा ठंडा करें, इस चक्कर में हमारे मंदिर पे आघात किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री, SDM सभी शामिल थे, पर मीडिया कवरेज होने के चक्कर में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर दोबारा से मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। बजाय एक तरह से वो कहते हैं ना कि समाज के प्रति ध्रुवीकरण, वो है मसला, और कोई मसला नहीं है। या देखो, ये मदरसा बना हुआ है, अवैध जमीन पर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है तो अवैध जमीन पर बनी हुई है, आगे रेता का प्रोग्राम हो रहा है जो बिक रहा है, व्यापार हो रहा है, और वहाँ पक्का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अनऑथराइज हो रहा है, DDA की जमीन है उस पर भी हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेटरबाजी हम काफ़ी 2014 से कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। एक तरह सा मंदिर बना है, यहाँ मंदिर कोई हमारा है नहीं इस कॉलोनी के अंदर, तो हमने सोचा, हमने कहा चलो ये पुलिस बुद्ध बना है, इसके पीपल का पेड़ है, शनिदेव की वैसे ही पूजा होती है, तो साथ में हनुमान जी की मूर्ति लगा दी। इसमें आस्था इतनी बढ़ गई है कि आप मंगलवार को शनिवार को आके देखोगे ना तो 150-200 आदमी आपको खड़ा मिलेगा। यहाँ 8 बजे हम आरती करते हैं, 8 बजे यहाँ पर भीड़ देखो कितनी होती है, आस्था है तभी तो होती है। आगे हमने पौधे लगाए थे, ये एक मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, दूसरा पर्यावरण को भी बचाने के लिए कि भाई ऑक्सीजन गैस निकले यहाँ से, लोगों को फायदा हो, तो इसके लिए हमने बैरिकेडिंग कर दी थी कि जिससे कि आवारा पशु आए हैं तो इनको ना खाएं, नष्ट ना करें। इधर कुत्ते आते थे, मीट की हड्डियाँ उठा लाए, मीट उठा लाए, उधर आके यहाँ पे आके खाते थे, कुत्तों का तो कोई भरोसा होता नहीं कि कहाँ कहाँ बैठ जाए, खाना ले जाए, तो वो इनकी कुत्तों को रोकथाम के लिए बनाया था पहले। ये हमने बैरिकेडिंग इसलिए लगाई थी कि यहाँ पे लोग बाग कहीं जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, जूते लेके बैठ गए, यहाँ ये नहीं देख रहे कि मूर्ति लगी हुई है, बैठ गए यहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है, या गाय निकल के गई तो हनुमान जी की मूर्ति लग रही है, उससे पीठ रगड़ रही है वो,
खुजा रही है तो हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान हो सकता था। हमने सोचा था कि इसको हम बैरिकेडिंग कर देंगे जिससे हमें ये लगेगा हमारी मूर्तियां सुरक्षित है। अगर पशु तोड़ गया तो हमारे दिल में क्या होगा कि कौन दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़ दी, तो उसमें बैमनस पैदा होगा और बैमनस पैदा होगा तो झगड़ा होगा। तो इस चक्कर में हमने ये किया था। अब ये प्रशासन को, प्रशासन तो आप जानते हो केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल सरकार किसको चाहती है तो आप भी लोग जानते हो, आप जाते हो चैनल पे हर जगह देखते होगे, पूरे इंडिया में यही हाल है कि ध्रुवीकरण हो रहा है कि भाई वोटर की राजनीति चल रही है, एक समुदाय को ज्यादा करने के लिए 85% नीचे दबा दो 15% उठा लो ऊपर, ये हाल चल रहा है। बाकी तीन लड़कों ने इस पर कंप्लेंट की थी कि इसको ये जो है कब्जा हो रखा है, यहाँ कब्जा हो रखा है, ये इन्हें एकदम उस पर एक्शन ले लिया, जबकि हम 2014 से लेटरबाजी कर रहे हैं, हमारे पे कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऊपर एकदम एक्शन हो गया। क्योंकि इस पे पीडब्ल्यूडी मंत्री अतीश का भी बयान आया है, अतीश जी का भी बयान आया है कि ऐसे एक मंदिर नहीं, ऐसे दिल्ली के, दिल्ली में कई जगह पे ऐसे 10 मंदिर है जिन्हें हटाने की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो किसने की है ना, किसने की है, राजनीति से प्रेरित है एल जी को, तो जबरदस्ती एक राजनीति में घसीटने वाली बात है। ये तो आपने देखा ही है कि एल जी में और केजरीवाल में कितनी खींचतान चलती है कि दिल्ली की पुलिस हमें दे दो, दिल्ली की पुलिस इनको दे दो, तो सारे नेता जितने बैठे हैं ना केंद्र में बैठे हैं सारे अंदर हो जाएंगे, एक भी ना बचेगा। ये तो अपनी राजनीति है, राजनीति करने का हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी मंदिर की आस्था है और हमने अपने मंदिर को बचाना है। और आज आपने देख ही लिया कि यहाँ पर कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, मंदिर को हमने बचाया, दो रेलिंग तोड़ के जरूर गए हैं वो, लेकिन वो खाना पूरी करने के लिए हमने करवा दिया था, चलो करो, अगर हम चाहते ना तो हम उसको भी नहीं खुलने देते, चाहे कितनी भी मारकाट होती हमें मार देते, चाहे जान से मारते चाहे लाठियां बरसाते, हम नहीं रुकते, लेकिन हमें उखड़ने नहीं देते। लेकिन हमने एक कानून व्यवस्था को बनाने रखने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए हमने उस चीज को वो किया है इसमें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कहीं झगड़ा हो, हमारे अपने हिंदू भी अपने ये हैं, मुसलमान भी अपने ये हैं, हम किसी का बैमनस पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन जब एक तरफा फैसला होता है तो फिर देखो हर एक आदमी को, हर एक सनातनी को ये थोड़ा दुख तो होता है कि भाई इस तरीके से हमें क्यों दबाया जा रहा है, तो ये है बस। बाकी और कोई मतलब मसला थोड़ी है, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं था ना कोई। कल भी हमें मनीष सिसोदिया के ऑफिस से ही ऑर्डर मिला था कि हम बैठा के SDM को ADM को दोनों को बिठा करके, तुम लोगों को बिठा करके फैसला बीच का रास्ता निकाल लेंगे और फैसला करवा देंगे। सुबह रात को 11 बजे तो ही बैरिकेडिंग मंगा ली 2 गाड़ियां भर के, रात को ही हमें डर लगा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर सब सो रहे हों, ये तोड़ताड़ के चले जाओ। रात भर हमने इसकी सुरक्षा की है, रात भर लेडीजें भी जगी रही हैं और आदमी भी जगे रहे हैं। सुबह 7 बजे 6:30 बजे यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई 2 गाड़ियां भर के, तीसरी गाड़ी बाद में आई है। इतना सुनो ना, इतना बड़ा लंबा इशू नहीं था कि इसमें 3-3 गाड़ियां भर के आए भाई। तो हम भी फैसला कर चुके थे कि भाई जब फैसला होगा बीच का रास्ता निकाला जाएगा, एक रेलिंग हटाएंगे, अपनी खाना पूरी करेंगे चले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाएंगे चले जाएंगे। लेकिन हम जब इस पर राजी थे तो इतनी फोर्स मंगाने की जरूरत क्या थी, इतना प्रोटेस्ट होता ही नहीं ना, इतना कोई आदमी इकट्ठा होता यहाँ। भाई मेरे बात सुनो, अगर हिंदू धर्म में अगर ये लोग थोड़ा खूंखार होते या कोई कट्टरपंथी ज्यादा होते तो यहाँ क्या होता, 2-4 मरते भी, घायल 50-40 भी होते, पुलिस वाले भी घायल होते भाई। एक तरफा फैसला थोड़ी था, जब एक आदमी पट रहा है तो वो हाथ तो चलाएगा ही अपने बचाने के लिए। तो ये इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था, ये प्रोग्राम किया गया है एक राजनीतिक दबाव। ये तीन लड़कों ने जो कंप्लेंट की, तीन लड़कों की कंप्लेंट पे जेई ने 1-2 दिन फैसला नहीं लिया, उस पर दबाव पड़ गया कि भाई इस पर फैसला क्यों नहीं ले रहा। उन्होंने तुरंत अपना चिट्ठी बनाई और SDM को दे दी। अब SDM के पास जाएगा तो SDM तो कार्रवाई करेगा, वो तो रुक नहीं सकता भाई। PWD भी दिल्ली सरकार का, SDM दिल्ली सरकार का, DM दिल्ली सरकार का, भाई दबाव तो आएगा ही आएगा, हम क्या कर सकते हैं। एक दूसरे को दबाने के लिए ये तो है, हम लोगों को दबाया जा रहा है और क्या करें। ये थी MG मीडिया की रिपोर्ट मंडावली दिल्ली से।